तो हे वेलकम गाइस, होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारी पहली वीडियो होगी अनबॉक्सिंग की। तो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया था, जो ऑब्वियसली बात है मेरी साइकिल के लिए होगा। तो ये रहा वो बॉक्स, ठीक है, ये रहा वो बॉक्स, और आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। खैर अभी आया, जस्ट थोड़ी देर पहले आया, 10-15 मिनट पहले, ठीक है। तो हो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा बॉक्स और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, चलो और आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। और ये रहा हमारा चाकू। हम भाई औरों को पता नहीं, बट हमारे यहाँ ऐसा ही चाकू होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, वैसे है ना काफी बड़ा, बट हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो चलो यार, हमारे यहाँ ऐसा ही हो यार, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और यार चलो ये खुल चुका है, ये क्या दे दिया। अबे ये कूड़ा का भाड़ा मेरे इसमें क्यों भर दिया बेफालतू भाई, ये क्या है? ये तो टट्टी है। देखते इतने सारे कूड़ा का भाड़ा मेरे इसमें भर दिया डब्बे में। बताओ यार, अबे कितना कूड़ा डालते हैं ये फ्लिपकार्ट वाले भाई। इन फ्लिपकार्ट वालों ने अमेज़ॉन का ये डाल रखा है, बताओ। फ्लिपकार्ट से मैंने ये मंगवाया है, ठीक है, और इन्होंने अमेज़ॉन का ये डाल रखा है, देखो। ओ भाई भाई साहब, ये देखो यार, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। तो चलो यार, अब देखते हैं हमारा असली चीज जो हमने ऑर्डर करा था। और ये रही वो चीज, अरे इसको पूरा ओपन कर लेते पहले। ये रहा, ये हमने होल्डर मंगवाया था अपने फ़ोन के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये क्या है? अच्छा, ये रबड़ दे रखा है ताकि उसमें कुछ मतलब हैंडल वगैरह में कुछ होए ना। तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि यार जैसे जैसे मतलब टाइम होता है ना, तो उसका पेंट उतरने लग जाता है, वहाँ पे ना जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, वो जाता है, रशिंग हो जाती है उसमें। तो यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं ये सोच ही रहा था वैसे भी काफ़ी टाइम से मंगवाने के लिए, क्योंकि कुछ और भी लगाना था मेरे को। तो अभी के लिए तो यार ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। ये देखो, ये पूरा ऐसे ऐसे मूव हो जाता है ये, ठीक है। खैर ये तो हो ही जाता होगा। और अरे मुझे लगा ऐसा, अभी ये है ना टूटा हुआ है, यहाँ से ना थोड़ा सा कर्व सा है, तो मुझे लगा ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, बट ये टूटा हुआ नहीं है। तो यार मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यार, ये मूव करता हुआ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलो यार इसको सेट करते हैं, ठीक है, और निकलते हैं मैं जोमेटो के लिए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और जैसे 1 वीक हो जाएगा उसके बाद मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा, ठीक है। तो जिसने मेरी फर्स्ट डे वाली वीडियो नहीं देखी, वो यहाँ पे आई बटन होगा, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो चलो फिर इसको फिट करते हैं। ओके भाई, तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। मुझे इसको लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट ये यार काफ़ी अच्छे से लग चुका है ये, ठीक है। मैंने इसके नीचे ये यहाँ पे ना रबड़ लगा रखी है मैंने दरअसल, ठीक है, ताकि ना उस पर कुछ होए ना, मतलब इस पाइप पर कुछ होए ना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अभी नोटिस कराया, यहाँ पर ना ये बटन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये खुलता है, ये चीज़ है ना, ये खुलती है, ठीक है, ऊपर, ताकि ये जो ये चीज़ है इसको थोड़ा खोल सके और फिर इसको लगा के बंद कर सके, ठीक है। बाकी एक और चीज़ है, तो वो है ये, बाकी ये चीज़, ठीक है, जो ये चीज़ है ना, ये दिखाता हूँ, हाँ, जो ये चीज़ है ना, ये इसको टेढ़ा मेढ़ा करने से मतलब इसको थोड़ा सा मतलब जाम करती है, मतलब रोक देती है कि एक साइड अगर आपको ऐसे चाहिए तो उसको घुमा दो तो फिर रुक जाएगी, ठीक है। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, बिल्कुल ऐसे लग जाता है, अगर आपको टिल्ट चाहिए तो ये टिल्ट भी हो जाएगा बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं इसको डेली यूज़ के लिए अभी लेने वाला ही हूँ, ठीक है। ये सही है यार, ये बिल्कुल नॉर्मल यूजर के लिए जो मैं बता रहा वो ये है, ये चीज़ इसको
यहाँ से रोक लेती है ताकि मूव ना हो ये। ठीक है, बाकी ये फ़ोन खोलने के लिए ओवरऑल मुझे इसका ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है, और अब तो डेली यूज़ में आना ही है ये तो। ठीक है यार, अभी तो ठीक है फ़िलहाल, बाकी देखते हैं इसको रेगुलर यूज़ करने के बाद क्या होता है। तो चलो फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग ही होगा यार नेक्स्ट का, बाकी वो वीडियो देख लेना जोमेटो वाली। ठीक है, और साइकिल पे मैं जोमेटो का ऑर्डर वगैरह ले रहा हूँ तो देखना ना भूलना। ठीक है, माई बटन पे ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर दे दूँगा तो जाके देख लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, चलो भगवान से बाय।